नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हेल्थ अवेयरनेस। दोस्तों आज मैं बात करूंगा हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस स्क्रब के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिमालय के प्योरीफाइंग नीम फेस स्क्रब के बारे में, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इससे अच्छा है दोस्तों कि आप जो है एवर यूथ का जो वॉलनट स्क्रब आता है आप वो ले लें, क्योंकि इसमें जो है एप्रिकॉट के जो ग्रैन्यूल्स है वो इतने कम लगते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं जब आप अपने स्किन पे से रब करेंगे, तो ये आपकी स्किन को अच्छे से जो है नेचुरली एक्सफोलिएट कर रही है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें नीम डला है, चलिए ठीक है, नीम अच्छी चीज़ है हमारे स्किन के लिए, जो है हमारे स्किन में जो भी गंदगी है उसको बाहर निकाल लेगी। अगर हमारी एक्ने प्रोन स्किन है तो उसको नहीं होने देंगी, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो अच्छा है। पर सच्ची बोलूँ तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया नीम और एप्रिकॉट, क्योंकि कैसा है कि हमें तो फेस स्क्रब चाहिए ना, फेस वॉश नहीं चाहिए ना, तो ये आपको कुछ अजीब ही लगता है जब आप इसे यूज़ करेंगे। तो मुझे पर्सनली तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। मुझे एवर यूथ का जो फेस स्क्रब है वो ज़्यादा पसंद आया। मैं शॉप में गया था, उसके पास था नहीं, तो हिमालय एक बड़ा ब्रांड है इसलिए दोस्तों मैंने ये लिया। अगर आप उसका प्राइसिंग भी देखेंगे तो ये 85 रुपीज़ का जो है 50 ग्राम्स आता है। मेरे ख्याल से एवर यूथ का जो प्राइसिंग है वो इससे कम है, और वो मुझे ज़्यादा पसंद भी आता है। आप अच्छे से जब उसको आप अपने स्किन पे रब करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं, हम अपने स्किन से जो है डर्ट पोल्यूशन और हम अच्छे से जो है अपने स्किन को एक्सफोलिएट कर पा रहे हैं। पर इसको जब आप यूज़ करेंगे आपको ना ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। इसमें एप्रिकॉट के जो ग्रैन्यूल्स डाले ना वो इतने कम है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ती है, और एवर यूथ के इसमें जो है क्वांटिटी आपको कम लेनी पड़ती है और आप अच्छे से जो है मसाज कर सकते हैं उसमें। तो मुझे तो नहीं पसंद आया दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करिए, और किस पे आपको और वीडियोस चाहिए वो मुझे बताइए। इसी तरीके के वीडियोस मैं और लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।